हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी के लिए टॉप क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान के लोग किस देश में नहीं जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत देश में, इजराइल देश में, कोरिया देश में या फिर अमेरिका देश में। तो जो पाकिस्तान के लोग होते हैं ना, वो कभी भी इजराइल देश में नहीं जा सकते हैं, भारत वगैरह में तो वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मछलियों का राजा किसे कहा जाता है? रानी का तो पता नहीं, पर फिलहाल यहाँ राजा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं डॉल्फिन मछली को, व्हेल फिश को, या फिर शार्क मछली को, या फिर झींगा मछली को। झींगा तो बहुत ही छोटा छोटा होता है, तो मछलियों का जो राजा होता है ना, उसे शार्क को कहा जाता है। शार्क मछली जो होती है उसे मछलियों का राजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? वो तो नॉर्मली सबको पता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है न्यूटन ने, नील आर्मस्ट्रांग ने, तो नील आर्मस्ट्रांग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, गैलीलियो ने, या फिर चार्ल्स बेबिज ने। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबिज को कहते हैं। नेक्स्ट, पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? यानी कि पोंगल जो है उस वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस है और वहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से उसे मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है केरल में, गुजरात में, बिहार में, या फिर तमिलनाडु में। बिहार में तो नहीं, क्योंकि बिहार में छठ पूजा चलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस नदी पर सबसे लंबी सड़क बनाई गई है, यानी कि सबसे लंबा पुल बनाया गया? आपके ऑप्शन है गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, ताप्ती नदी पर, या फिर कावेरी नदी पर। तो जो यमुना नदी नहीं सॉरी गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, जो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अभी इसी समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर मोस्टली पता होगा, फिर भी देखते हैं, महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर भीमराव अम्बेडकर को। तो हम क्या कहते हैं, जय भीम। तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? भारत की राजधानी दिल्ली होती है, तो संतरों की राजधानी कौन सी होती है? कर्नाटक होती है, नागपुर होता है, उड़ीसा होता है, या फिर कोई भी नहीं होता है। तो जो संतरों की जो राजधानी होती है ना, वो नागपुर होती है। आई होप आपको याद हो रहा होगा, नहीं याद हो रहा तो एक बार रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमर कसने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है? कमर पर रस्सी बांधना ना, कमर पर धागा बांधना बिल्कुल भी नहीं, तैयार होना, या फिर आलस करना, इन दोनों में से कोई एक है। तो कमर कसने का जो सही मतलब होता है वो तैयार होना। नेक्स्ट, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? सोच में पड़ रहे हैं ना, किसी जानवर का खून भी मिलाया जाता है, तो बिल्कुल कौन सा जानवर का? आपके ऑप्शन है सुअर का, कुत्ते का, भेड़ का, या फिर चमगादड़ का। तो लिपस्टिक जो है उसके अंदर सुअर जो जानवर होता है ना, उसका खून जो है मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, ये आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, या फिर राजस्थान में। तो और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।